नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन डिश बाय दे में। आज हम बनाएंगे सिंपल ऑमलेट, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 अंडे को अच्छी तरह से धो लिया है, क्योंकि अंडे में बहुत ही ज्यादा गंदगी होती है। तो सबसे पहले आप उसे पानी से 3 से 4 बार एक बार जरूर धो ले। हम इन अंडों को इस तरह फोड़ लेंगे, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप वैसे फोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से फूट जाते हैं ये। मैंने यहाँ पर लिए एक हरी मिर्ची, जिसे मैंने बारीक काट लिया है और इसके जो बीज है उसे अलग कर लिया है। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। एक मीडियम आकार की प्याज, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। और मैंने यहाँ पे 3 अंडे का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी अगर ज्यादा करें तो इसमें प्याज और हरी मिर्ची की मात्रा भी ज्यादा कर सकते हैं। बारीक कटी हुई हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच की सहायता से सारे मिश्रण को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसमें और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, जैसे टमाटर, कैप्सिकम। और जो आप देख सकते हैं हमारा जो मिश्रण है ये 1 से 1.5 मिनट में बनकर बिल्कुल रेडी है। मैंने यहाँ पे एक तवा ले लिया है नॉन स्टिक वाली, आप चाहे तो कढ़ाई में भी सेम तरीके से बना सकते हैं। इसमें 2 छोटे चम्मच ऑयल डाल देंगे। हमने तवा पर तेलों को अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसमें तवे में मिश्रण को डाल देंगे। मिश्रण को किसी चम्मच की सहायता से इस तरह फैला देंगे ताकि ये बराबर मात्रा में चारों तरफ फैल जाए। 1.5 से 2 मिनट बाद में आप देख सकते हैं इसका जो कलर है ये किनारे से हल्का सा चेंज होनी शुरू हो गई है, यानी हमारी ऑमलेट का नीचे का जो हिस्सा है वो फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे पलट देंगे। आप चाहे तो इसे नॉर्मली जिस तरह हम रोटी पलटते हैं ना, वैसे भी पलट सकते हैं, या फिर इस तरह से अगर आप पलटेंगे ना तो थोड़ा सा मतलब डिजाइन जो है देखने में अच्छा लगेगा। बाकी आपको जो भी पसंद हो आप उस तरह से पलट सकते हैं। आप देख सकते हैं इसे पलटना कितना आसान है। तो जी, आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है।